आपका क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माइनस वन, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज डैश। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं। पहला है आपका एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल में आपका जो इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस इन क्यूब रूट्स में क्या आता है, दैट इज आपका होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, यही होता है हमारा। अब इसके अंदर इसने क्या कहा है कि उसमें से एक जीरो इज माइनस वन, एक जीरो जो है उसका माइनस वन है, और क्या कहा, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज व्हाट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा एंड गामा। क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा एंड गामा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। ठीक है, सपोज इसके अंदर आपका दिस इज माइनस वन, तो सपोज अल्फा इज आवर माइनस वन। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, नेक्स्ट टू दो प्रोडक्ट जो है आपके बीटा एंड गामा, दिस इज इक्वल टू माइनस डी, माइनस डी, डी की वैल्यू क्या है हमारी, सी, तो क्या हो गया हमारा, माइनस सी बाई ए। ए की वैल्यू क्या है हमारी, यहां पर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वन इज देयर बाई वन। ठीक है, तो माइनस वन इंटू बीटा एंड गामा, तो क्या हो गया हमारा, बीटा गामा है ना, और माइनस वन, तो क्या हो गया, माइनस बीटा एंड गामा, दैट इज इक्वल टू माइनस सी बाई वन इज माइनस सी, माइनस सी, तो माइनस दोनों साइड में है तो इट विल गेट कट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज बीटा गामा इज इक्वल टू, वैल्यू आपकी क्या आ गई, सी, तो हम यहां पर लिखेंगे सी। ठीक है,